गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग एवं भंडारे का किया गया आयोजन। सदर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या पर डीएसपी का आया बयान, कहा जल्द ही हत्या का उद्भेदन कर लिया जाएगा। एक 1.32 करोड़ की लागत से होगा विद्यालय के पुराने भवन का जीर्णोद्धार, नगर विधायक ने किया शिलान्यास। एयरपोर्ट जैसा बनेगा दिल्ली मोड़ का बस स्टैंड, नगर विधायक ने डीपीआर की समीक्षा। दरभंगा के कैदराबाद के पुराने बस स्टैंड परिसर में डायल 112 की पुलिस ने एक स्कूटी के साथ सोफिया शराब किया बरामद, स्कूटी सवार हुआ मौके से फरार। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बोगी में अचानक आग लगने की खबर से मची अफरा तफरी। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक महिला से 3 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, महिला ने थाने में दिया आवेदन, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नगर थाना पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे 3 लोगों को किया गिरफ्तार, कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दरभंगा में श्री योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा मनाया गया, और वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए मंत्र जाप हवन भजन और ऑडियो सत्संग का भी आयोजन किया गया। यह सत्संग आज सुबह 10 बजे से था, जिसमें भंडारा का भी आयोजन किया गया। इस सत्संग में 200 से 250 की संख्या में लोग सत्संग में भाग लेने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि यह आयोजन के सिन्हा निवास लहरिया जीएनगंज में किया गया। यहाँ पे गुरु पूर्णिमा निमित्त सभी साधक पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के सभी साधक इकट्ठा हुए हैं। दरभंगा के, मधुबनी के, समस्तीपुर के क्षेत्र के सभी साधक एक जगह आकर हम लोग आज गुरु पूर्णिमा निमित्त सत्संग हवन और गुरु पूजन कार्यक्रम रखे हुए हैं। इसमें जो है सभी क्षेत्र के दरभंगा के सभी साधक आए हुए हैं, और ये प्रोग्राम हर वर्ष गुरु पूर्णिमा को किया जाता है। यहाँ पे बापू जी का अवतरण दिवस है आज, योग सेवा समिति दरभंगा की तरफ की ओर से, जिसमें हम लोग आज बापू जी का अवतरण दिवस मना रहे हैं। और सरकार से डिमांड करते हैं कि बापू जी, अभी तक मैं 35 सालों से जान रहा हूँ, जितने भी काम किए हैं वो समाज सेवा के लिए किए हैं, लोगों की भलाई के लिए किए हैं, लेकिन ये गंदे राजनीति के तहत इनको फंसा के कि लोग इसमें जो भी काम बाबूजी किए हैं, चाहे हम लोगों को जगाने का काम किए हैं, हम लोगों को सिखाने का काम किए हैं, हम लोग कैसे किए हैं, इसके काम किसके लिए काम किए हैं, तो लोग ये बढ़िया काम मैंने आके भ्रष्ट काम में भिजाऊँ। और ये एक मीडिया, सारे मीडिया नहीं, आज हम लोग मना रहे हैं आज रेप का। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी पर डीएसपी अमित कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पूछताछ कर लिया गया, जल्द ही इस घटना का उद्भेदन कर दिया जाएगा। आज दिनांक 21 जुलाई 2024 को दरभंगा जिले के सदर थाना अंतर्गत एक विवाहित महिला के बलात्कार की घटना रिपोर्ट की गई। उनके द्वारा बताया गया घटना में तीन युवक शामिल थे। तीनों को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है, कांड को दर्ज कर अग्रता कार्रवाई।
इंटर स्तरीय राज्य उच्च विद्यालय की पुरानी रौनक वापस लौटेगी। विद्यालय के पुराने स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक ढंग से विद्यालय के भवनों का जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण किया जाएगा। वहीं दरभंगा नगर भाजपा के नेता एवं नगर विधायक संजय सरावगी ने विद्यालय के पुराने भवनों का जीर्णोद्धार एवं चार दीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि 1,32,00,000 की लागत से विद्यालय के पुराने भवनों को संवारा जाएगा। पुराने भवन में कई वर्षों से पठन पाठन का कार्य बंद है, जल्द ही इसे चालू किया जाएगा। वहीं रविवार को नगर विधायक संजय सरावगी ने विद्यालय का जायजा भी लिया। बहुत जल्दी दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा बस स्टैंड मॉडल बनेगा। नए बस स्टैंड में यात्रियों को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। ये बातें भाजपा के नेता एवं नगर विधायक संजय सरावगी ने कही। उन्होंने कहा कि पुराने बस स्टैंड का स्वरूप बदलकर 92 करोड़ की लागत से 6.2 एकड़ में नए बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए DPR बनकर तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की EDMC इंजीनियरिंग कंसल्टेंट द्वारा DPR बनाया गया है। अब प्रशासनिक स्वीकृति हेतु बुडको द्वारा DPR को आगे बढ़ाया जाएगा। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद के पुरानी बस स्टैंड के परिसर में डायल 112 की पुलिस ने एक स्कूटी से नेपाली सोफिया शराब बरामद किया है। वहीं स्कूटी चालक पुलिस को देखकर वहां से फरार हो गया है। मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने स्कूटी सहित शराब को जब्त कर विश्वविद्यालय थाने के हवाले कर दिया है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्कूटी पर 2 व्यक्ति सवार थे। जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा तो स्कूटी को गिराते हुए एवं शराब को छोड़कर वहां से फरार हो गए। हम लोग इस मामले की जानकारी विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष को दे चुके हैं। तो वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। आखिर गाड़ी किसके नाम से है और कौन इसके मालिक हैं और यह शराब कहां से आई है। बता दें कि जिस स्कूटी को जब्त किया गया है उसका नंबर BR07Z7286 है। कौन सा दारू? सोफिया है। सोफिया है। कितना बैग मिला आपको? दो। दो। कौन सी जगह है ये? कौन जगह है ये? पुराना बस स्टैंड। अच्छा, आदमी भी था इस पर? आदमी भी था, भाग गया। स्कूटी भी है? स्कूटी भी है। स्कूटी पर था दोनों आदमी? दोनों आदमी भाग गया। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से? अच्छा, कहाँ से? विश्वविद्यालय थाना डायल 112। रविवार को दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12565 की बोगी में अचानक आग लगने की अफवाह उड़ पड़ी, जिस वजह से उस बोगी में मौजूद रेल यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया जाता है कि जैसे ही यह गाड़ी दरभंगा से खुली तो एक यात्री के द्वारा अग्निरोधक यंत्र पर बैठ जाने की बात सामने आई, जिस वजह से वह अग्निरोधक यंत्र अचानक कार्यरत हो गया और उसमें का रखा ड्राई केमिकल बाहर निकलकर डब्बे में फैल गया, जिस वजह से लोगों में भ्रम फैल गया कि बोगी में आग लग गई है। वहीं जांच के दौरान उसी कोच में यात्रा कर रहे यात्री सोहन राय ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटी है, सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं यह भी बता दें कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से कई यात्री नई दिल्ली के लिए प्रस्थान हुए थे, जिसके बाद जैसे यह खबर उसके परिजनों के बीच में पहुंची तो उसके परिजन भी चिंतित हो गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटी और न ही कोई यात्री हाथाहाथ हुए। सोहन राय जी, कहाँ से कहाँ जर्नी करना है आपको? हमको तो सर ये नई दिल्ली तो जाना है। नई दिल्ली तक? जी सर। क्या घटना हुआ था? सर एक सिलेंडर रखा हुआ था आग बुझाने वाला, किसी ने दबा दिया होगा, बैठ गया होगा, फायर मारा होगा, सब बोला आग लगी आग लगी आग लगने वाला कोई संभव था नहीं, तो भगदड़ मच गया, तो लोग समझाए तो आदमी फिर बैठ गया। फिर बैठ गया? कहीं सब चीज नॉर्मल? कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुआ, नॉर्मल सब।
दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में बीती रात सो रही महिला से जबरदस्ती घर में घुसकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बता दें कि जिस महिला के साथ यह सामूहिक दुष्कर्म किया गया उसके पति घर से बाहर कहीं कार्य दूसरे जगह करते हैं, जिसका फायदा इस तीनों लोगों ने उठाया। तो वहीं महिला ने इस बात की जानकारी अपने पति को दी। पति ने इस बात की जानकारी सदर थाना पुलिस को दिया और एक आवेदन भी दिया जिसमें तीन लोगों को नामजद किया गया। तो वहीं पुलिस ने सभी नामजद व्यक्ति को गिरफ्तार कर। रविवार को दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एक शराब कांड में फरार चल रहा था तो दो अन्य व्यक्ति शराब के मामले में वारंटी था जो फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम भोला महतो, पिता का नाम स्वर्गीय लक्ष्मी महतो, यह गुल्लोवाड़ा का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम भोला चौधरी, पिता का नाम स्वर्गीय राम बहादुर चौधरी, यह नगर थाना क्षेत्र के बोहरा गली का रहने वाला है। तीसरे अभियुक्त का नाम अमन कुमार, पिता का नाम सुरेंद्र महतो और यह सेनापत मोहल्ले का रहने वाला है। तो वहीं गिरफ्तार सभी अभियुक्त को नगर थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।